सिटीजनशिप भी आ गई है, बट मैं पासपोर्ट एंड अभी मैं इसके पास आता हूँ, मैं कहीं और नहीं आता हूँ। सो ये वो अवार्ड हैं जो इनको कंसेक्यूटिवली 3 ईयर से मिल रहे हैं, 21, 22 एंड 23 से, एज यू कैन सी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग, दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन विद अनदर ब्लॉग। सो आज जो है हम आए हैं बार्बर शॉप पे कनाडा के अंदर, जो कि है लंदन ओंटारियो के अंदर, और जिस शॉप पे मैं आया हूँ वो 2021, 2022, 2023 से लास्ट 3-4 ईयर से जो है बेस्ट शॉप ऑफ बार्बर इन लंदन में जो है उसका नाम आया है, उनको अवार्ड्स मिले हुए हैं। सो चलते हैं उस शॉप पर जो कि इतनी नामी गिरामी शॉप है और इसके पास इतने सारे अवार्ड्स हैं लंदन के बेस्ट बिजनेस के दिए हुए। सो चलते हैं, देखते हैं और कैसा लगता है लंदन का बार्बर शॉप, कनाडा का बार्बर शॉप, और देखते हैं कि क्या क्या प्राइसेस हैं उनके, क्यों वो इतने फेमस हैं, क्या उनके पास फैसिलिटीज हैं, कैसे उनके अंदर का सिस्टम सारा दिखता है, और क्या प्राइसेस, क्या रेट्स हैं, और जानेंगे उनकी थोड़ी बहुत जर्नी के बारे में भी। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये मैं आ गया हूँ इवान बार्बर शॉप के फ्रंट एरिया में, जो कि एज यू कैन सी ओपन का साइन लगा है, कुछ कंज्यूमर चॉइसेस के जो हैं पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें बता रहे हैं कि अवार्ड्स मिले हुए हैं इनको। उसके बाद जो है वॉक इन रहता है, देर इज नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल, अपॉइंटमेंट्स नहीं बुक करते ये लोग फोन पे, सो आपको यहाँ पे वॉक इन करने आना पड़ेगा। बिजनेस आवर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, नॉर्मली 10 to 8 रहते हैं, संडे की टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, 11 to 5 है, सो मेक श्योर टाइम चेक कर लें आने से पहले। उसके बाद अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है अंदर से। अंदर एज यू कैन सी टोटल 7 चेयर्स हैं इनके यहाँ पे, मोस्टली जो है ये चेयर्स एक्टिव रहती हैं, इनके पास अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, ओनर अपने जो है यहाँ पर खुद काम करते हैं, उनका नाम इवान है, उन्हीं के नाम पे जो है ये शॉप है। सो मेक श्योर कि आप जो है टाइम से आएँ अपना, और कुछ टाइम पे जो है वेटिंग भी रहती है, बट मोस्टली जो है इनकी सर्विसेज काफ़ी फास्ट हैं, सो एनीवेयर फ्रॉम 20 मिनट्स to 30 मिनट्स के अंदर जो है आप डन हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं ये जो इनके कंज्यूमर चॉइसेस जो अवार्ड्स मिले हैं सिटी ऑफ लंदन, और जो बिजनेस कंज्यूमर चॉइसेस के वोट्स रहते हैं, सो उसमें जो कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं वो लोग वोट करते हैं एवरी ईयर्स। सो एवरी ईयर का ये चार्ट है यहाँ पर, 21, 22 एंड 23 3 ईयर्स में कंसेक्यूटिवली इनको जो है बेस्ट बार्बर इन लंदन का जो है अवार्ड मिला है, सो दैट्स अमेजिंग। उसके बाद वेट करते ही आ गई मेरी बारी और मैं हो गया स्टार्ट। मुझसे पूछा गया कि कैसे के बाल चाहिए, बिकॉज माई हेयर्स आर कर्ली, सो आई हैव सेड आई नीड अ लो फेड। सो लो फेड में क्या होता है कि 0 नंबर से जो है 1 नंबर अप देयर स्टार्ट होता है, सो वो जो है मैंने स्टार्ट करवाया। उसके बाद जो है इस तरीके से मेरा हेयर कट चल ही रहा था, सो इसके बीचों बीच जो है 0 नंबर ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद जो है फर्स्ट नंबर जो है ये ऊपर की तरफ में रन कर रहे हैं। उसके बाद जो है मेरे ये साइड कट्स की बारी आ गई, जिसके अंदर ये फायर वाला काम शुरू हो गया इनका, जिसमें ये लोग मेक श्योर करते हैं कि ब्लेड्स वगैरह को ये नया चेंज करते हैं, ऑल द टाइम ब्लेड्स आर न्यू, एवरी टाइम दे चेंज द कस्टमर, सो कस्टमर्स के लिए ब्लेड प्रॉपर नया यूज़ करते हैं। उसमें भी जो है ये फायर लगा के मेक श्योर करते हैं कि उसके अंदर भी कोई भी तरीके का केमिकल वगैरह ना हो, सो सेफ्टी और हेल्थ एंड सेफ्टी वगैरह के मामले में, या किसी भी तरीके की सेफ्टी देखने के मामले में, सैनिटाइज करने के मामले में, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ऑलमोस्ट जो है मेरा डन हो चुका है हेयर कट। उसके बाद जो है मेरी बियर्ड की ट्रिमिंग हो रही है। बियर्ड की ट्रिमिंग भी आई डोंट यूजली लाइक टू गेट अ ट्रिमिंग डन फ्रॉम एनी वेयर इन द बार्बर शॉप्स, मैं यूजली अपनी ट्रिमिंग खुद करता हूँ, बट दिस प्लेस आई ऑलवेज ट्रस्ट देम ऑन माई बियर्ड, सो बियर्ड इज ऑलवेज अमेजिंग हेयर, आई नेवर एवर गेट अ बियर्ड डन फ्रॉम एनी वेयर एल्स, दिस मैन इज ऑसम, इट्स ही इज जस्ट ऑसम, एवरी टाइम ही कम्स इन ही इज़ सो फनी, ही इज़ सो अमेजिंग, सो कभी भी आप जाएँ इन्जॉय विद हिम, ही इज़ अमेजिंग, ही यूज़ टू बी अ फुटबॉल प्लेयर इन लंदन, सो नाउ ही वर्क्स हेयर, ही गेट्स अ गुड मनी बिकॉज दिस प्लेस इज़ जस्ट अमेजिंग, इट्स सो बिजी ऑल द टाइम। और बहुत अमेजिंग होने के साथ साथ जो हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो है कंट्रीज से लोग आके जो है आपको मिलेंगे यहाँ पर, वाइब हमेशा ऑसम रहती है। सो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरा जो है हेयर कट डन हो चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बियर्ड कट हो चुकी है, थोड़ा सा जो है मुस्टैच वगैरह को भी मैंने थोड़ा कम करा लिया है, हेयर कट डन। सो अब चल के देखते हैं और कस्टमर्स जो हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका क्या व्यू है, उनके कैसे हेयर कट्स चल रहे हैं। एज यू कैन सी ही इज़ गेटिंग डन वन हेयर कट हेयर, सो ही इज़ द ओनर ऑफ दिस प्लेस, हिज नेम इज़ इवान। सो आप इनसे मिल सकते हैं, ये ऑलवेज जो है यहाँ पर होते हैं अवेलेबल, और किसी भी तरीके का आपको डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, जो नंबर दिया हुआ है इनकी वेबसाइट के ऊपर वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कितना बिजी है या क्या है, और इफ इट्स अवेलेबल यू कैन ऑलवेज गो देयर। लेट्स टॉक टू दिस कस्टमर, सी व्हाट्स हिज एक्सपीरियंस विद। ब्रो क्या नाम है? नाइस टू मीट यू भाई, कैसे है? आप यहाँ हेयर कट कराने आए हो? कितना टाइम हो गया आपको हेयर कट कराते हो यहाँ पे? छह साल हो गए भाई आपको। 2017 में लंदन आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अच्छा, एंड पिछले मंथ मेरी सिटीजनशिप भी आ गई है, बट मैं पासपोर्ट एंड अभी मैं इसके पास आता हूँ, मैं कहीं और नहीं आता हूँ। भाई ऐसा क्या खास बात है इनमें, आप 6 साल से आ रहे हो यहाँ पे? आई डोंट नो ब्रो, बस वाइब है यहाँ पे एंड
आई लाइक इट आई मीन यू नो बेस्ट मुझे सूट करते हैं आई फील फ्रेश मैं हर वीक आता हूं हर वीक आते हो आप यहां पे एक्सपेंसिव नहीं आई एम कमिंग आउट फॉर 6 डेज टुडे या वाओ दैट्स अमेजिंग आई एम हियर एवरी वीक सो हेयर कट का प्राइस क्या है इनका इट्स $35 $35 विद अ बियर्ड लाइन यस बट मैं रेगुलर तो मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है रेगुलर पे डिस्काउंट है भाईजान से नहीं नहीं सबको नहीं है खास बंदों को है। खास लोगों को डिस्काउंट है लॉयल्टी डिस्काउंट है भाई लॉयल्टी डिस्काउंट है इवान भाई का नहीं डिस्काउंट नो डिस्काउंट नहीं नो ओनली प्रीमियम सर्विस ओनली प्रीमियम सर्विसेज और ये मैं देख रहा हूँ कि इनके पास कंज्यूमर चॉइस के अवार्ड्स मिले हुए हैं 21, 22 और 23 में आप लोगों ने भी वोट किया है क्या इसके लिए हाँ जी मैंने वोट किया था आपने बढ़िया है तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं कहाँ फैंसो में थे आप हाँ जी मैं फैंसो में आया कौन सा प्रोग्राम लिया आपने मेरा बिजनेस एनालिस्ट मेरा बिजनेस सप्लाई चेन बिजनेस था क्या बात है भाई आप तो प्रोग्राम ही भूल गए एक ही प्रोग्राम लिया कि दो दिन ले ली नहीं नहीं एक ही था एक ही प्रोग्राम लिया हेयर कट में लॉस हो गया ठीक है चलो कोई चक्कर नहीं फिर मिलते हैं आपसे ओके ब्रो थैंक और कहीं ना कहीं लंदन में मुलाकात होगी नाइस टू मीट यू क्योंकि मैं भी 2017 में आया था ओके और मुझे भी 6 साल हो गए यहाँ से बाल कटा सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं आपने जैसे देख ही लिया है कि अपने को एक हेयर कट के साथ साथ एक बढ़िया से दोस्त मिल गए वो भी 2017 में आए हुए थे He have seen me in a FSU student elections. So, वहां से मुलाकात शुरू हुई बातचीत हुई बाद में बात करते करते पता चला भाईजान भी यहाँ पर 2017 से हेयर कट करा रहे हैं और बहुत पसंद है वाइब वगैरह यहाँ की सो बेस्ट चीज यही है कि एक तो वाइब है इनकी और बहुत ही मतलब कस्टमर सर्विस वगैरह बहुत बढ़िया है आप अगर रेगुलर आते हैं और अपने हेयर कट्स वगैरह बियर्ड वगैरह को मेंटेन रखते हैं सो ये लोग जो है आपको कुछ बढ़िया डिस्काउंट वगैरह भी देंगे जिससे जो है आप थोड़ा उसको अफोर्ड कर सकें उस चीज को मेंटेनेंस को क्योंकि काफी ज्यादा जो है मेंटेनेंस यहाँ पे कनाडा में एक्सपेंसिव है सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको इस लोकेशन के बारे में या कुछ भी चाहिए मैं इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फिर भी आप मुझे जो है मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं विच इज HRD_Bhatia और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सो प्लीज गो देयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग हैव अ गुड नाइट